एम एन एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। सपना चौधरी के साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर ने की धोखाधड़ी, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के साथ पंजाब के लुधियाना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सपना एक इवेंट में परफॉर्म करने गई थी, जिसके लिए उन्हें शो के ऑर्गेनाइजर द्वारा 8 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए दिए गए। इस बात से नाराज सपना और उनके भाई ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लुधियाना में हुए एक कार्यक्रम के लिए शो के ऑर्गेनाइजर विकास चौधरी ने उन्हें 8 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ 6 लाख रुपए दिए गए। सपना के भाई ने बताया कि वो शो से कमाए हुए पैसों को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सैनिकों के परिवारों को दान देने वाली थी। मीडिया से बात करते हुए एक पुलिस अफसर ने कहा, हमने सपना और उनके भाई की शिकायत को दर्ज कर लिया है, लेकिन उनके पास इवेंट ऑर्गेनाइजर की कोई खास जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि सपना और उनके भाई जिस होटल में ठहरे थे, वहाँ भी बुकिंग ऑर्गेनाइजर्स के नाम से नहीं की गई थी। अब हम सीसीटीवी फुटेज के बिना पर छानबीन कर रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।